जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं कुदरत के उन अनमोल खजानों की जिनको लेकर तहकीक मुकम्मल हो रही है और बहुत जल्द अब आलमी मंडी में उन्हें फरोख्त करने के लिए लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लिथेनियम के बाद अब नीलम की नीलामी होगी और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला सुना दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक लिथेनियम के बाद मरकजी हुकूमत किश्तवाड़ के अंदर नीलम माइंस यानी नीलम की जो काने हैं वहां पर मौजूद हैं उनको ऑक्शन कराने की तैयारियों में लग चुकी हैं। जो स्टडीज हैं जो इस सिलसिले में ज्योग्राफियाई स्टडी करनी थी दीगर जो रिसर्च करने थे वो रिसर्च लगभग मुकम्मल हो गए हैं और आने वाले एक साल के दौरान नीलम के साथ साथ लिथेनियम को आलमी मंडी में बेचा जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि पार्डर किश्तवाड़ में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, कल मचील माता के मंदिर में भी हाजिरी दी और उसके बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दो बड़ी बातें कही। जैसे रियासी के अंदर इकदाम उठाए गए एक मंसूबे के तहत जहां लिथियम मिला तो उसके बाद कैसे इसे फरोख किया जाए, कैसे इसकी नीलामी हो, बड़ी कंपनियों को मदऊ किया गया और यही हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल नीलम की जो काने हैं जहां इसकी माइनिंग होती है साइंसी तरीकाकार को अपनाकर इसे नीलाम किया जाएगा और भारत सरकार की जानिब से अब जो है इस तरह के मंसूबों के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजर बनाया है, एक मुशीर तैयार किया गया है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। अब वो एडवाइजर कौन है ये तो नहीं बताया गया लेकिन ये जरूर कि उससे मशवरा करने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस बात की तस्दीक कर दी गई कि मरकजी वजारत की जानिब से पैसा जम्मू कश्मीर को दिया गया है, लिथियम के बाद नीलम की नीलामी जो इसकी काने हैं वहां पर साइंसी तरीकाकार अपनाया जाएगा। दो चीजों का वादा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से किया गया, एक तो ये कि मकामी सतह पर ही इसको ज्यादा इस्तेमाल करने का फायदा यह होगा कि किश्तवाड़ इक्तिसादी तौर पर मजबूत होगा, जो बहुत बार हमने सुना, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस बात को दोहराया। दूसरा, इस मंसूबे में मकामी नौजवानों को शामिल करके उन्हें ही रोजगार देने की बात कही गई है, यह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल कही। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि खुद वो इस सारी सूरतेहाल को देख भी रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जहां अब तक वो इस 3 साल के टेन्योर में जब से उन्होंने जिम्मेदारी 2020 में संभाली पहली मर्तबा वो पार्डर या किश्तवाड़ के इस दूरदराज इलाके में मचील माता के मंदिर में गए, वहां से बाद में जब निकले तो इंतजामिया के पास बजट की पैसे की कोई कमी नहीं है बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर। और बहुत जल्द जब काम शुरू होगा तो उन्होंने कहा कि लोकल्स को मकामी लोगों को इन्वॉल्व करके ये हुकूमत का मंसूबा है और तरजीह बुनियादों में है। अब जब काम शुरू होगा वो देखने वाली तब बात होगी। आपको याद होगा कि किश्तवाड़ के अंदर कई अहम मंसूबे जो ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर भी मकामी लोगों को रोजगार ना देने पर भी काफी ज्यादा बवाल मचा था, एहतजाज हुआ था। तो ये मामला भी कल सियासी और समाजी लीडरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में लाए। बहरहाल बड़ी बात यह है कि अगले साल नीलम की कानों को साइंसी तरीकाकार से नीलाम किया जाएगा। दूसरा, जब कल उन्होंने यात्रियों की परेशानी देखी तो एक धर्मशाला कायम करने का भी ऐलान कल उन्होंने कर दिया और कहा कि धर्मशाला तामीर किया जाएगा जिसके लिए जमीन की निशानदेही अफसरान करेंगे और मौके पर ही उन्होंने अफसरान से कहा कि वो जमीन आइडेंटिफाई करें और उसके बाद धर्मशाला कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहां पर यात्री ठहर सकेंगे इस मुश्किल और कठिन रास्ते में। तीसरी बड़ी बात जो ऐलान इसी के दौरान हुआ और कुछ तफसीलात भी फराहम की गई, सरकार ने एक फैसला लिया था कि हर उस शहरी को 5 मरले जमीन और घर दिया जाएगा जिसके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस हैं, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। तो अभी तक इंतजामिया के मुताबिक 250 ऐसे केसेस इंतजामिया के पास थे जिनको सॉर्ट आउट किया गया, 250 से ज्यादा लोगों को जमीन दी गई, घर दिया गया और बाकी लोगों को भी हजारों की तादाद जिनकी है यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत जल्द घर और सरकार की जानिब से जमीन दिया जाएगा। दो बड़ी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, एक जमीन और घरों के हवाले से और दूसरा जो ऐलान किया गया कि नीलम की कानों को साइंसी तरीके से नीलाम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात आपको सुनाते हैं। मुझे बताया गया कि अंग्रेजों के जमाने में पूरे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किश्तवाड़ का होता था, वो स्थिति फिर से बने इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 67 करोड़ रुपया देकर के फिर से एक्सकवेशन कराना अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर रहता तो काफी समय लगता। एक बार हम लोगों ने अनुरोध किया और भारत सरकार ने उस पैसे को दिया और काम भी शुरू हो गया है। अब इस टोपोग्राफी को आप देख रहे हैं कि इस पर काम करना इतना आसान नहीं है, बावजूद इसके भारत सरकार के अधिकारी काम में लगे हैं
और जो मुझे सूचना उन लोगों ने दिया, भारत सरकार के जो सचिव हैं माइनिंग के, उन्होंने कहा कि साहब एक साल में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे और तब मैं समझता हूं कि यहाँ की इकॉनमी भी बदलेगी, रोजगार के अवसर भी आएंगे और फिर अगर मैं रहा तो आप लोगों के पास मांगने भी आऊंगा कि थोड़ा बगल के जिले के लिए भी कुछ इंतजाम करिए। एक फैसला हम सब ने लिया था कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अहर हैं, पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन सरकारी भूमि देगा ताकि उनका घर बन सके। किश्तवाड़ में 252 ऐसे लोग जिनको ये भूमि हमने दी है और उनके घर का सपना भी पूरा होगा। लेकिन जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उनको लगता है कि सरकारी जमीन और सरकारी संसाधनों पर उन्हीं का हक, उनको ये महसूस नहीं होता कि अब व्यवस्था बदल गई, अब ऐसी व्यवस्था देश में चल रही जो जिसकी प्राथमिकता में गरीब आदमी, वंचित आदमी सबसे पहले। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में समग्र आवास योजना में के कार्यक्रम में भाग लिया था, समावेशी विकास के लिए कन्वर्जेंस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अभियान में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें पूरा सहयोग दें। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हमें करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ समस्या आपने बताई है, डॉक्टर की तैनाती हुई थी, भौगोलिक कठिनाइयों के कारण दिक्कतें हैं, लेकिन हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि आपके हेल्थ की जो समस्या है वो भी दूर हो। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान ये बहुत सोच समझ करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। अभी पंचायतों में किसानों की ट्रेनिंग का काम हो रहा है, किसान संपर्क अभियान।